वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से और वे और थे जो हार गए आसमान से नमस्कार मित्रों मैं आपका मित्र मैं आपका साथी मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्य त्रिपाठी आप सभी मित्रों का आप सभी स्वजनों आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी विशेष कक्षा में ये कक्षा आप देख रहे होंगे आधारित है आपकी सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो प्रीवियस ईयर यानी आप करें पुरानी परीक्षाओं में पूछी गई है और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे जुड़े हुए उनको आपके बीच में लाने की आप सभी साथी जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों का प्रेम मिल रहा है ऐसे ही आपसे और ज़्यादा प्रेम यानी ऐसे ही नियमित प्रेम की आवश्यकता है और और ज़्यादा साथियों को आप बताइए उनको भी लेकर आइए कि नई प्रश्नोत्तरी चल रही है आप लोगों को भी चलना चाहिए यहाँ पर क्यों क्योंकि मैंने कहा आप ही प्रचार हैं आप ही प्रसार हैं सभी साथियों को बताइए बाकी पुराने वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पुराने वीडियो को भी देखिएगा वो सारे आपके लिए जरूरी हैं और हां आज वाली क्लास में अगर आप जुड़ रहे हैं तो जुड़ते ही वीडियो को लाइक कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक बात है ना स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को अगले आधे घंटे में जो भी होने वाला है वो वर्तनी शुद्धि पर हम लोग काम करने वाले हैं कई बार ऐसे होता है तमाम शब्द ऐसे होते हैं जो हम लोग सही नहीं लिख पाते हैं। लगता है कि सही लिखें लेकिन तभी गलती रहती है या तमाम प्रकार के ऐसे हैं जो मार्केट में चलन में ही गलत शुद्धि मतलब आप कहेंगे अशुद्धि की तरह से हैं लेकिन लगता है देखने में शुद्ध है ठीक बात है ना चलिए स्वागत कर लेते हैं आप लोग का सबसे पहले अभू नंदनी नंदनी नंदिनी जी नंदिनी सिंह विकास चौरसिया जी इंद्रमणि शुक्ला आशु पांडे अलका वर्मा तानिया विवेक जी जया जी मनीष यादव जी गुड्डन पांडे जी नंदन जी सिमरन यादव जी सिमरन राय जी मोनिका सिंह जी प्रीति पांडे सर्वेश चौधरी जी अशोक सिंह जी माही निरंकारी जी प्रदीप पांडे जी प्रशांत वर्मा जी स्वागत है आपका रूपम जी का बहुत बहुत स्वागत है साधना साक्षी वर्मा ब्रजेश यादव पूजा रावत लाडो यदवंशी शैलेन ठाकुर सौम्या तिवारी अनुकल्प जी कुलदीप चौरसिया एस एस सी हितैश जी रेशमा पाल जी अस्मिता सिंह जी विजय शंकर जी आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है ठीक बात है ना आप सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना समय बर्बाद के मैंने कुछ अनुशीलन सामग्री में रखा है ये उनके लिए है जो लोग पी पाना चाहते हैं यानी आप टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहेगी आप उससे जुड़ करके इस पी को आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से तो उसमें आप इन अनुशीलन सामग्री को आप पढ़ भी सकते हैं लेकिन दूसरे में हम बात करते हैं आज केवल हम प्रश्नोत्तरी पर ही बात करेंगे क्योंकि यह वर्तनी का है इसको मौखिक नहीं सही कराया जा सकता है इसको देख करके ही आपको कि सही हो रहा है आपका गलत वो तभी कर पाएंगे आप चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न पर लिखा हुआ है किस शब्द की लिखा हुआ है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है अधीन व्यवहारिक निष्ठान या फिर अत्यधिक जल्दी बताइए आप लोग एक दो तीन चार पांच छः सात आठ और नौ दस जल्दी दीजिए इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका सही बहुत बढ़िया जल्दी दीजिए आपको चलिए बहुत अच्छा जिस जिसने इसका उत्तर दिया है सर इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा अत्यधिक यही एकदम शुद्ध वर्तनीय बाकी सारे अशुद्ध लिखे हैं अगले प्रश्न पे आते हैं अगला प्रश्न लिखा हुआ है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए लिखा अंत्याक्षरी पूजनीय तदोपरांत या कवियत्री जल्दी बताइए कौन सा सही एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस बहुत बढ़िया जिस जिसने इसका उत्तर ए वाला ऑप्शन दिया है वेरी गुड आपका ही सबसे सही है बहुत बढ़िया अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगला लिखा हुआ है लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है कवित्री यानी कवित्री के विषय में है तो ए वाला बी वाला सी वाला या फिर डी ऑप्शन जल्दी बताइए आप लोग एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ और दस बहुत बढ़िया तो इसका उत्तर जो लोगों ने दिया है सर इसका बी वाला ऑप्शन यानी कवियत्री होता है वही एकदम सही उत्तर दिया है उन लोगों ने अगले क्वेश्चन पे आते हैं लिखा हुआ देखिए विदुषी पूछ रहा है विदुषी कैसे लिखा जाता है इसको शुद्ध शब्द में देखना है तो बताना है आपको एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस तो देखिए जिसने इस इसका उत्तर ए वाला ऑप्शन दिया कि सर विदुषी होता है वही एकदम सही बताए हैं अगले प्रश्न पे आते हैं अगला लिखा हुआ है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा आपको बताना है क्लेश के विषय में आप सब जानते हैं क्लेश आपस में मन मुटाव जो होता है उसी को क्लेश कहते हैं तो यहां देख रहे हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए बी सी या डी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और नौ और दस तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा भैया इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला यानी क्लेश ऐसे ही लिखा जाता है अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई इसके बाद तो अगले क्वेश्चन पे लिखा है श्रृंगार कैसे लिखा जाता है पूछ रहा है श्रृंगार कैसे लिखा जाता है सब लोग बताइए श्रृंगार कैसे लिखा जाता है चलिए बताइए ए या बी या सी या डी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जल्दी बताइए चलिए वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत बढ़िया जिस जिसका उत्तर आया है सर इसका सी वाला ऑप्शन श्रृंगार हो जाएगा वही एकदम राइट बताए हैं चलिए अगले क्वेश्चन ये भी आर ओ प्री में आया था क्वेश्चन आपका दो हजार चौदह में आया था अगले क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला यानी उज्ज्वल के विषय में पूछ रहा है उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा सोचिए जल्दी से ए वाला ऑप्शन बी वाला सी वाला या फिर डी वाला जल्दी बताइए आप लोग फिर मैं बताता हूं आपको आप अपने सभी सहपाठियों के साथ उपस्थित होइए क्यों क्योंकि कई क्यों बार आप देखते हैं अपने सहपाठी की कॉपी मांगते हैं पूरा करने के लिए और देखते हैं कि उसके सहपाठी की कॉपी में तमाम जगह तमाम शब्द गलत लिखे रहते हैं तो आप क्या करते हैं कई लोग होते हैं उसको सुधार करते हैं और कई लोग बतईबे नहीं करते हैं उसको तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में आने वाला आईसी से लेकर एक क्वेश्चन ठीक बात है ना तो आपका गलत ना होने पाए चलिए तो इसका कौन सा हो जाएगा भाई जिसमें जा दो बार है आधे वाला उसी को कह दिया जाएगा सही तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन हो गया बी वाला ऑप्शन उज्जवल यही हो गया इसका सही अगले क्वेश्चन पे आते हैं पूछ रहा है शुद्ध वर्तनी वाला यानी हिरण्य कश्यप जो आप जानते हैं राक्षस के विषय में तो पूछ रहा है उसकी सद्वर्तनी क्या होगी कैसे लिखा जाएगा ए ऑप्शन बी या सी या डी जल्दी बताइए आप लोग इसका उत्तर <coughs> चलिए बहुत बढ़िया जिस जिसने उसका उत्तर दिया है हिरण्य जो होता है यही होता है सही और बी वाला ऑप्शन हो गया इस वाले क्वेश्चन का एकदम राइट right. अगले क्वेश्चन पे आते हैं पूछ रहा है कवियत्री कैसे लिखा जाता है अभी कुछ ही देर पहले हमने चर्चा की जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा लिखिए भाई कवियत्री कैसे लिखा जाता है बताइए सब लोग चलिए जल्दी बताइए चलिए बहुत बढ़िया तो कवियत्री लिखा जाता है पहला वाला ऑप्शन यानी ए वाला ऑप्शन सबका सही हो गया कवयित्री जो होता है इसी को कहा जाए यानी इसी यही है शुद्ध वर्तनी कवयित्री की ठीक बात है ना अगले पे आते लिखा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द फिर कौन सा है आनुषंगिक के विषय में पूछ रहा है कैसे लिखा जाता है आनुषंगिक आपको बताना है ए वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन या फिर डी वाला ऑप्शन जल्दी बताइए भाई आप कौन सा हो जाएगा भाई बहुत बढ़िया जिस जिसने इसका उत्तर सी वाला ऑप्शन दिया है वो एकदम सही बता रहे हैं जरा आनुषंगिक होता है ना ऐसे लिखा जाता है बहुत बढ़िया अब की देखें अच्छा कौन कौन बता पाता है अगले वाले पे ये वाला नहीं बता पाएंगे आप लोग अच्छा देख लें लिखा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द ये तो मुझे लगता है सब लोग बता ले जाएँगे पूछ रहे आप परीक्षा कैसे लिखा जाता है ये तो बता ही लेना चाहिए आपको ए वाला ऑप्शन बी वाला सी वाला या फिर डी वाला कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई परीक्षा के विषय में जल्दी बताइए बहुत बढ़िया इसका कौन सा हो जाएगा इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा एकदम राइट वेरी गुड जिनका जिनका ए सी वाला ऑप्शन क्या है सही है अगले पे आते हैं भाई अगला लिखा हुआ है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए तो कह रहा है अनुग्रहित 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 या फिर अनु अनुग्रहित जल्दी बताइए कौन सा सही हो जाएगा जल्दी बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई तो इसका बी वाला ऑप्शन यानी अनुग्रहित बहुत बढ़िया भाई अलका वर्मा जी मनीष यादव जी गुड्डन पांडे जी सिमरन जी बहुत बढ़िया पूजा रावत जी लाडो आप सब बहुत बढ़िया बता रहे हैं चीजों को नंदिनी जी अभू जी बहुत बढ़िया अगले पे आते हैं वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछ रहा है नरक कैसे लिखा जाता है नरक होता है नर्क होता है नर्क होता है या नर्क होता है बताइए ए बी सी डी में से कौन सा सही हो जाएगा जल्दी बताइए बहुत बढ़िया जिस जिसने इसका उत्तर दिया सर ए वाला ऑप्शन एकदम आपके दिमाग तुरंत आ गया सर ए वाला ऑप्शन होना चाहिए बहुत बढ़िया अगले पे आते हैं अब कि नहीं बता पाएंगे अब ये बताए टिप्पणी कैसे लिखा जाता है ये तो बता ही लेंगे मुझे लगता है टिप्पणी कैसे लिखा जाता है टिप्पणी कई लोग बहुत टिप्पणी कर देते हैं दूसरों की बातों पर तो बताइए टिप्पणी कैसे लिखा जाता है ए बी सी या डी कौन सा सही जल्दी बताइए जल्दी बताओ बहुत बढ़िया मोनिका सिंह कुलदीप चौरसिया जी बहुत बढ़िया इसका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही यानी टिप्पणी हो जाएगा एकदम आशु पांडे जी एकदम सही हो जाएगा डी वाला ऑप्शन अगले पे आते हैं पूछ रहा है प्रज्वलित कैसे लिखा जाता है जी पूछ रहा है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है प्रज्वलित उज्ज्वल समुज्ज्वल या फिर समुज्वल कौन सा अशुद्ध वर्तनी ये मत जाइएगा टिक लगा है उस पर मत जाइएगा आप लोग ये मत सोचिएगा टिक लगा है तो इसका मतलब वो सही है आपको अपने दिमाग से सोच के बताना ए बी सी डी में से कौन सा आर ओ ए आर ओ के एग्जाम में पूछा गया भाई जल्दी बताइए बहुत बढ़िया सब चतुर हैं कह रहे हैं नहीं सर ये जो डी वाला ऑप्शन है यही वाला सही है क्योंकि समुज्जवल उज्ज्वल प्रज्वलित सब एकदम राइट लिखा हुआ है ना अगले पे आते हैं अगला लिखा हुआ अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है पारलौकिक निश्चेष्ट दुर्धर्ष या फिर आशीर्वाद पूछ रहा है कौन सा अशुद्ध है यानी गलत तरीके से कौन सा लिखा हुआ है जल्दी दीजिए आप लोग उत्तर एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और दस वेरी गुड जिस जिसने इसका उत्तर दिया है कि सर इसका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन जो है यही हो जाएगा गड़बड़ यानी निश्चे जो है ऐसे नहीं लिखा जाता निश्चे में आधा बड़ा शाह होता है ना अगले पे आते हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बता तो रहा है धोबिन धोबिन कैसे लिखा जाता है भाई जल्दी बताओ धोबीन ही होता है धोबिन होता है क्या होता है जल्दी बताइए आप तुरंत उत्तर दीजिए भाई इसका जल्दी उत्तर दीजिए बहुत बढ़िया इसका उत्तर बी वाला यानी धो धोबिन ही नहीं हो जाएगा इसका उत्तर होता है क्या इसका उत्तर है तो धोबिन जो होता है ये ये वाला ऑप्शन मुझे लगता है इसका ए वाला ऑप्शन होना चाहिए तो ए वाला ऑप्शन इसका या बी वाला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन यानी धोबिन होता है ठीक बात है ना अगले पे आते हैं पूछ रहा भागीरथी कैसे लिखा भागीरथी होता है कि भागीरथ होता है जल्दी बताइए एक दो ए वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन या फिर डी वाला आपको कुछ इसमें करना नहीं इसमें केवल आपको सरसरी निगाह से देखना है और देख के अगर आप कंफ्यूज हैं तुरंत आपको बगल में कॉपी पेन यानी कॉपी पलट के रखिएगा तुरंत आप वो शब्द लिख लीजिएगा ठीक बात है ना क्योंकि आप जानते हैं ये बार बार आपकी गलती होगी ये अगर गलत जो शब्द है ये बार बार गलती करेंगे ये अचानक आपको लगेगा कि सही कर रहे हैं लेकिन तब वो गलत करेंगे आप ठीक बात है ना चलिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला यानी भागीरथी जो होता है यही वाला हो जाएगा आपका सही इस वाले का अगला बताना अब जिसका जिसका गलत था मान लीजिए वो उसी कॉपी पेन से यानी पेन से कॉपी में कहीं लिख ले भागी है ठीक बात है ना ताकि दोबारा गलती आप इसकी ना करें अब बताइए विरहणी कैसे लिखा जाता है जल्दी बताइए विरहिणी जल्दी बताइए आप लोग एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस वेरी गुड जिस जिसने इसका उत्तर बताया सी वाला ऑप्शन सर विरहिणी होता है ये गड़बड़ है इसका उत्तर है बी वाला विरहणी ये होता है एकदम सही ठीक बात है ना ये नहीं एक सेकेंड सी वाला ऑप्शन ही आपका हो जाएगा सही क्योंकि विरहिणी होता है ना कि विरहणी होता है ठीक बात है ना विराह में रहने वाली यानी विरहिणी ठीक बात है ना अगले पे आते हैं ये स्त्रीलिंग के लिए कहा गया है अगले पे आते हैं लिखा अशुद्ध लिखा वर्तनी कौन सी अशुद्ध है पूछ रहा है अशुद्ध वर्तनी लंगड़ कोंकड़ भुक्खड़ या फिर बुझ्खड़ कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस जल्दी बताइए कौन सा इसमें गलत हो जाएगा वर्तनी की शुद्धि के दर्शन जल्दी बताइए आप लोग तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सबसे आसान इसका डी वाला ऑप्शन यानी भुखड़ जो हो जाएगा यही हो जाएगा सही चूंकि आधा का होता तब खा होता तब भुखड़ होता अगले पे आते हैं बहुत बढ़िया जिसका जिसका सही था जिसका नहीं सही था वो कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगले पे भाई अगला लिखा हुआ है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है नीचे ये पूछ रहा है इसमें कह रहा है वर्तनी चार तरीके से लिखेंगे सही वाले चयन करना है अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है जल्दी बताइए भाई तुरंत बताइए आप लोग अनुग्रहित कैसे लिखा जाता पूछ रहा है आपसे अनुग्रहित कल हम लोगों ने चर्चा की थी अनुग्रहित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में यानी आप करें कृपा पूर्वक किया गया व्यवहार जो होगा उसी को कहा जाता है अनुग्रहित अनुग्रह कहा जाता है ना तो इसका हो जाएगा कौन सा इसका हो जाएगा ये वाला अनुग्रहित सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही यानी अनुग्रहित होता है ठीक बात है ना ये सी वाला ऑप्शन इसका सही मिल गया अगले पे आते हैं लिखा हुआ है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है उच्चृंकल होता है कैसे लिखा जाता है उच्चृंकल जल्दी बताइए ये बताइए तुरंत एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और दस जल्दी उत्तर दीजिए इसका उच्चिंगल कैसे लिखा जाता है उच्चृंकल कैसे लिखा जाता है जल्दी बताइए भाई बहुत बढ़िया चलिए इसके विषय में आप देखिएगा ये उसका ऑप्शन जो डी वाला हो जाएगा उच्छृंखल यही हो जाएगा एकदम सही तो इसका डी वाला देखिए पीजीटी के एग्जाम में हिंदी में पूछा गया है पीजीटी हिंदी में पूछा गया क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उच्छृंखल याद करे कई लोग मुझे लगता है ज्यादातर लोगों का गलत गया है तो आप इसको बगल में कॉपी ले रहिएगा तो कलम से आप उसी में लिख लीजिएगा अगले पे आते हैं लिखा हुआ है निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है बताइए ज्योत्सना ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है जल्दी दीजिए आप लोग एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और दस उत्तर दीजिए ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है जल्दी दीजिए बहुत बढ़िया ज्योत्सना जहां दो बार यानी एक बार आधा आधाता एक बार आधा सा है यही है ज्योत्सना याद करे रहिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन पे ये देखिए लिखा हुआ है पूछ रहा है इसमें कौन सा शब्द शुद्ध बताना है यानी उज्जवल द्वंद्व या फिर वाल्मीकि कौन सा सही है भाई इसमें बताइए जल्दी से जल्दी बताइए आप लोग एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस मुझे लगता है या तो इसमें ए वाला होगा या तो बी वाला होगा तो मुझे लगता है कौन सा लगा दूँ मैं वाल्मीकि कि वाल्मीकि ये होना चाहिए यानी यानी ए वाला ऑप्शन है वेरी गुड मेरा भी सही निकल गया पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था तो ए वाला ऑप्शन इसका हो गया सही अगले पे आते हैं लिखा हुआ है शुद्ध शब्द का चयन करें जिजी विषा मैंने कहा था जीने की इच्छा जिजी विषा तो जिजी विषा कैसे लिखा जाता है आपको बताना है अगर आप लिख लेते हैं ए बी या सी या डी कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए भाई कौन सा हो जाएगा वेरी गुड जिस जिसने इसका उत्तर बताया सर जिजी जी विशा जीने की इच्छा बी वाला ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो गया बी वाला अगले पे आते हैं अगला लिखा हुआ है लिखा हुआ है वर्तम, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें यान, की यानी कि यानी कि सूची की सुच पूछ रहा कौन सा इसमें से अशुद्ध है यानी कौन सा गलत तरीके से लिखा हुआ ये सब लोग मुझे लगता है बता भी ले जाएंगे तो जल्दी आपको बताना है कौन सा हो जाएगा शुद्ध अशुद्ध कौन सा हो जाएगा वेरी गुड बहुत बढ़िया सब आप इसका तुरंत उत्तर दे रहे हैं सर इसका जो या, ये हो जाएगा आपका यानी जो है यही इसका हो जाएगा गड़बड़ यानी ए वाला ऑप्शन इसमें गड़बड़ है बाकी तीनों सही तरीके से लिखे गए हैं अगले पे आते हैं लिखा हुआ है ये युक्त तो कैसे लिखा जाता है उत्तर दीजिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और दस जल्दी दीजिए ऊपर युक्त तो कैसे लिखा जाता है तुरंत बताइए शुद्ध शब्द बताना है आपको बहुत बढ़िया सौम्या तिवारी जी शैलेंद्र जी ब्रजेश यादव जी साधना जी बहुत बढ़िया प्रसिद्ध जी बहुत बढ़िया आप सारे प्रशांत वर्मा जी सारे लोग आप इसका उत्तर दे दे रहे हैं और आप कह रहे हैं सर इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा उपरयुक्त तो मतलब ए वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा ठीक बात है बेटा बहुत बढ़िया अगले क्वेश्चन पे भैया आते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ये ज्योत्सना वाला फिर से पूछ लिया आप तो बता ही ले जाएंगे ए बी सी डी में से कौन सा हो जाएगा ज्योत्सना वाला सही शब्द कौन सा हो जाएगा ज्योत्सना का जल्दी बताओ वेरी गुड सब ने बता दिया सर इसका उत्तर यही बी वाला ऑप्शन ता और आधा सा दोनों साथ में है अगले पूछ रहा वर्तनिक दृष्टि से कौन सा शब्द सही है सन्यासी सन्यासी किस तरह से लिखा जाता है ये बताइए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस जल्दी बताओ भाई बहुत बढ़िया माही जी बहुत जल्दी बताइए प्रदीप पांडे मोनिका जी जल्दी बताइए तो इसका उत्तर हो जाएगा सर ये वाला ऑप्शन सन्यासी ए वाला ऑप्शन जो है यानी सा पे अंक बिंदी भी है और आधा ना भी है तो इसको कहा जाता है सन्यासी अगले पे आइए अगला लिखा हतोत्साहित होता है कि हतोत्साह होता है जल्दी बताइए या हतोसाह होता है बताइए आप लोग ए बी सी डी में से कौन सा हो जाएगा जल्दी बताओ एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और दस वेरी गुड तो इसका उत्तर हो जाएगा हतोत्साहित याद करे रहिएगा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही हतोत्साहित अगले पे आइए शुद्ध रूप पूछ रहा है कौन सा है निम्न में से प्रदर्शनी वाले में से कौन सा शुद्ध पूछ रहा है प्रदर्शनी 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 या प्रदर्शनी या कौन सा हो जाएगा भाई शुद्ध सब जल्दी बताइए आप लोग उत्तर तुरंत दीजिए तुरंत बहुत बढ़िया भाई तानिया जया मनीष यादव गुड्डन जी नंदन जी सिमरन जी अस्मिता जी विजय शंकर जी जल्दी आप लोग उत्तर दीजिए हितेश जी इसका उत्तर हो जाएगा आप सब जानते हैं प्रदर्शनी नहीं होता है प्रदर्शनी होता है ठीक बात है ना प्रदर्शनी मुझे लगता है सब जानते हैं बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा सही जिस जिसने बी वाला ऑप्शन दिया है उन सब का बहुत बढ़िया है नंदिनी जी जी बहुत बढ़िया अगले पे आते हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है मानवीकरण या मानवीयकरण या मानवीकरण या मानकीकरण मान कौन सा होता है शुद्ध आपको बताना है कौन सा इसमें चारों में से आपको सही दिख रहा है जल्दी इसका उत्तर दीजिए भाई आप लोग तुरंत आप इसका उत्तर दीजिए कौन सा सही हो जाएगा इन चारों में से बहुत बढ़िया तुरंत बताइए भाई चलिए सारे विद्यार्थी बता रहे हैं सर इसका हो जाएगा कौन सा ये डी वाला ऑप्शन यानी मानवीकरण होता है ठीक बात है ना यही इसका हो जाएगा खूब आप ऐसे ऐसे ही आप स्पीड में आप इसको देते जाइएगा क्यों क्योंकि इसमें आपको कुछ अलग से करना नहीं केवल आपको ऐसे ही स्पीड इस में इसको उत्तर देते चले जाना है बस आप खुद ही देखते चले जाएंगे और अच्छा हाँ बगल में आप एक वाइट पेपर या कोई कॉपी रखकर बैठिएगा जो जो क्वेश्चन आप गलत उत्तर दे रहे हैं या जिसमें आपको हल्का सा शंका भी हो रही है उनको आप केवल कलम से लिख लीजिएगा बाद में आप दो चार चक्कर मतलब इसको क्या है पेपर होने से पहले तक लगातार आप इसको रिवाइज करते रहिएगा है।, है ना चेक करते रहिएगा क्या आपका गलत हो रहा है अभी भी अब भी गलत हो रहा है क्योंकि आप जानिएगा शंका जो होती है परीक्षा में भी आपको उसी तरह से रूप में मिलेगी जैसे आज के दिन में तो शंका आप समाप्त करके तभी परीक्षा के लिए जाइए अगले क्वेश्चन पे देखिए ज्योत्सना तो आप लोग लिख ही लेंगे ये पूछ रहा है दृश्य कैसे लिखा जाता है पूछ रहा है शुद्ध वर्षनी कौन सा ए बी सी या डी कौन सा होगा एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस आप सब जानते हैं सर होता क्या है सर होता है इसमें सदृश होता है सदृश्य वाला ऑप्शन हो जाना चाहिए इसमें सही तो देखिए बहुत बढ़िया पीजीटी के एग्जाम में भी क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया है कि इसका हो जाएगा सदृश्य जो है यही होता है सही उत्तर अगले पे आते हैं आनुषंगिक कैसे लिखा जाता है आप सब जानते हैं एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ और दस बताइए कौन सा होगा डी में से आनुषंगिक कैसे लिखा जाएगा जल्दी बताइए बहुत बढ़िया तो इसका सारे लोग उत्तर बता रहे हैं सर ए वाला ऑप्शन जो आनुषंगिक है यही एकदम क्या है इसका राइट उत्तर है अगले पे आते हैं भाई पूछ रहा है निम्न में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है उज्ज्वल कवित्री कवित्री या मोक्ष कौन सा भाई पूछ रहा है अशुद्ध शब्द है जल्दी बताइए आप लोग अशुद्ध कौन सा है इसमें जल्दी बोलिए आप लोग अशुद्ध कौन सा है सबसे आसान चूंकि कवयित्री दो बार लिखा है तो आप सब समझ गए सर इसमें कवयित्री वाला ये वाला हो जाएगा यही अशुद्ध है चूंकि कवियत्री नहीं होता है कवियत्री होता है ना तो इसी वजह से अशुद्ध यानी खरा गलत कौन सा लिखा है तो कवियत्री लिखा है बाकी सारे सही लिखे हैं अगले पे आइए आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है खूब आप आशीर्वाद देते हैं खूब आपको आशीर्वाद मिलता भी है लेकिन आप बताइए कि आशीर्वाद लिखा कैसे जाता है जल्दी उत्तर बिना फालतू बात किए मैंने कहा है कि आज के सेशन में बहुत कायदे से हम लोग सारे सीरियस विद्यार्थी हैं इसके लिए और आप जानिएगा ये मैंने कहा शंका आपको दूर करते हैं अगर किसी प्रश्न में आपको हल्का सा शंका है किसी चीज़ को लिखने में कि हे ई वाला हो जाना चाहिए अंधी मत मारिएगा इसमें क्योंकि एग्जाम में आपकी अंधी गड़बड़ कर जाएगी एग्जाम में आपको अंधी मारनी नहीं, नहीं है इसके विषय में ठीक बात है ना अच्छा चलिए आशीर्वाद अच्छा इसके विषय में किसी से पूछ भी नहीं सकते बगल वाले क्या पता उसका भी गड़बड़ है हो वो वर्तनी मामले में तो वर्तनी ऐसी ऐसी छोटी चीज़ें हैं इनके विषय में पड़ोसी के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता एग्जाम टाइम में ठीक बात है ना तो इसका हो जाएगा कौन सा इसका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन आशी के बाद में वा के ऊपर रा लगा रहता है तो आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है अगले पे आइए पूजनीय पूजनीय कैसे लिखा जाता है आप सब जानते हैं कल ही आपने लिखा था पूजा करने के योग्य तो उसे पूज्य कहा जाता है तो पूछा जाता है पूजनीय कैसे लिखा जाएगा बताइए ए बी सी डी में से कौन सा हो जाएगा जैसे लिखा जाए पूजनीय जल्दी उत्तर दीजिए कौन सा हो जाएगा पूजनीय वेरी गुड इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा पूजनीय के लिए बहुत अच्छा भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं पूछ रहा है कौन सा शब्द सही है जजीविषा कैसे लिखा जाएगा आप जानते हैं जीने की इच्छा जजीविशा कैसे लिखा जाएगा जल्दी बताइए आप एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस वेरी गुड इसका डी वाला ऑप्शन यानी कि जिजीवशा हो जाएगा सही देखिए जो क्वेश्चन हम करवा चुके हैं उस पर समय देखिए देखिए उज्ज्वल भी करवा चुके हैं लेकिन पूछा बहुत जाता है उज्जवल का तो आप जानते हैं उज्जवल का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यानी दो बार आधा जा होना चाहिए उज्जवल में अगले पे आइए फिर पूछ रहा है कवित्री में पूछ रहा है कैसे होगा ये भी आप याद कर लिए हैं यानी कवयित्री होता है ना तो इसका हो जाएगा कौन सा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा एकदम सही कवयत्री युधिष्ठिर के विषय में पूछ रहा है युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे तो युधिष्ठिर पूछ रहा है कैसे लिखा जाएगा युधिष्ठिर जल्दी बताइए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस तो युधिष्ठिर आप सब जानते हैं और सब बता भी रहे हैं वेरी गुड जिस जिसने इसका उत्तर दिया बी वाला ऑप्शन सर युधिष्ठिर होता है ना ना कि युद्धिर होता है ठीक बात है ना तो इसका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन एकदम से सही अगले पे आते हैं भाई अब नीचे यहाँ ये, ये नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन में फिर उच्चृंखलता पूछ लिया आपसे अभी कुछ ही देर पहले हम लोगों ने इसके विषय में पढ़ा अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्चृंखलता हो जाती है ना तो आप सब जानते हैं और सारे लोग उत्तर इसका दीजिए भाई एबीसीडी में से कौन सा हो जाएगा जल्दी दीजिए इसका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन यानी उच्च श्रृंखलता जो हो जाएगा यही इसका हो जाएगा एकदम राइट आंसर अगले पे आते हैं आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता इसके विषय विश्वसनी में पूछना आयुर्वेदिक कैसे लिखा जाएगा बताइए आयुर्वेदिक होता है या आयुर्वेदिक होता है या आयुर्वेदिक होता है जल्दी बताइए कौन सा होता है आप लोग जल्दी तुरंत बताइए आप लोग आयुर्वेदिक कैसे होता है तुरंत बताइए आयुर्वेदिक बहुत बढ़िया जिस जिसने उत्तर दिया डी बी वाला ऑप्शन आयुर्वेदिक उसी का है एकदम राइट ऑप्शन अगले पे आते हैं भाई इसके बाद लिखा हुआ दिन ब दिन यानी अप्रत्याशित के विषय में पूछ रहा है अप्रत्याशित कैसे लिखा मैंने कहा जिसकी पहले से आशा न की गई हो उसी को कहा जाता है अप्रत्याशित तो आपको इसका उत्तर देना है कि अप्रत्याशित कौन सा हो जाएगा सही वर्तनी में ये तो मुझे लगता है सब लोग बता दिए वेरी गुड सारे लोग बता भी दे रहे हैं इसका उत्तर बहुत बढ़िया भाई गुड्डन जी साधना जी साक्षी वर्मा जी ब्रजेश यादव जी तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा यही बी वाला ऑप्शन इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही यानी अप्रत्याशित ऐसे लिखा जाता अगला है अगला बताइए पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं पूछ रहा है दंपति कैसे लिखा जाता दंपति होता है कि दंपति होता है कि दंपति होता है क्या होता है ए बी सी डी में से बताइए दंपति कैसे होता है दंपति आप फिर कह रहा हूँ आपसे टिक पर मत जाइएगा आप अपने बुद्धि विवेक से उत्तर दीजिएगा कतई आप टिक टिक पर मत जाइएगा कोई आपको बताए भी तो आप विश्वास मत करिएगा आप अपने पर विश्वास रखिए कि आपके ध्यान में क्या है इसके प्रति तो दंपति वेरी गुड तो इसका उत्तर आप सब जान रहे हैं यहाँ पर इसका बी वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा सर दंपति होता है ना देखिए मैंने लगभग आपको छाछठ क्वेश्चन लगभग कवर कराने का प्रयास किया है लगभग सत्तर क्वेश्चन सौ क्वेश्चन हम लोग करने का, का काम करेंगे अगला बताइए पूछ रहा है ईर्ष्या कैसे लिखी जाती है सबसे आसान लेकिन सबसे कन्फ्यूज होने वाला क्वेश्चन है ईर्ष्या कई लोग नहीं लिख पाते हैं खास करके रा की मात्रा को ही गड़बड़ कर ले जाते पढ़ लेते हैं लेकिन लिखने में उनको समस्या होती बताइए ए बी सी डी में से कौन सा हो गया ईर्ष्या के लिए जल्दी बताइए ईर्ष्या कैसे लिखा जाएगा जल्दी बताइए ईर्ष्या वेरी गुड इसका ऑप्शन जो लोग बह रहे हैं ए वाला ऑप्शन एकदम बहुत बहुत बधाई उनको कि ये वाला ऑप्शन सही है अब भी जिसको शंका है वो क्या करें वो व्हाइट पेपर पे कहीं आप इसको नोट कर लीजिए ये वाला भी वर्ड क्योंकि इसके बाद आप देखिएगा कि कितने वर्ड आपको इसमें से नहीं आ रहे थे क्योंकि यहाँ आपको टेस्ट नहीं देना है कि आप इतना कर ले गए इतना नहीं आपको केवल उन पर फोकस करना है जिन पर आपको शंका हुई या जो आपको नहीं आ रहे यानी जो आपके गलत हो गए उन पर आपको ध्यान देना है फिर पूजनीय आ गया तो आप सब जानते हैं इसका कौन सा हो जाएगा पूजनीय तो इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही यानी पूजनीय ऐसे लिखा जाता है अगला पुरस्कार कैसे लिखा रहा है पूछ रहा है पुरस्कार तो आप सब जानते हैं जल्दी बताइए ए बी सी डी में से पुरस्कार कौन हो जाएगा पुरस्कार कौन सा हो जाएगा पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार का कौन सा लिखा जाएगा सही जल्दी बताइए वेरी गुड पुरस्कार का हो जाएगा कौन सा देखिए गड़बड़ हो गया पुरस्कार का देखिए इसमें गड़बड़ लिखा पुरस्कार का बी वाला ऑप्शन हो जाएगा एकदम सही पुरस्कार अगले पे आइए आशीर्वाद के विषय में बताना है आशीर्वाद आशीर्वाद के विषय में बताइए आशीर्वाद का कौन सा हो जाएगा भाई ए बी सी डी में से कौन सा जल्दी बताइए आशीर्वाद ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है सत्तर नंबर प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा वेरी गुड बहुत बढ़िया आशीर्वाद लिखा जाएगा सी वाला ऑप्शन जिसका जिसका सी वाला ऑप्शन सही है उसका एकदम राइट आंसर है अगले पे आते हैं बिना समय पर बात आप बढ़ते रहिए चीजों को विशेष कैसे लिखा जाता है इतना आसान चीज पूछ लिया लेकिन कई बार लोग गड़बड़ कर देते हैं बड़ा शाह और खष्टी सामित तो विशेष कैसे लिखा जाता है ए बी सी डी में से कौन सा उत्तर जल्दी लिखिए आप लोग तुरंत ए बी सी डी में से कौन सा हो जाएगा उसका उत्तर वेरी गुड तो इसका उत्तर ए वाला ऑप्शन सर विशेष में बड़ा शापे ए की मात्रा रहती है और बाद में खष्टी वाला सा रहता है अगले पे आइए पूछ रहा है कुमुदनी कैसे, तो कैसे लिखा जाता है कुमुदनी कई बार आप जानते हैं कुमुदनी का पौधा भी जानते हैं लिली तो आप बताइए कुमुदनी कैसे लिखा जाता है बताइए ए बी सी डी में से कौन सा जल्दी उत्तर आप लोग दीजिए मैंने फिर कहा आपसे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो सब्सक्राइब फिर मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ अपने चैनल पर तेरह सब्सक्राइबर हो गए हैं यानी आपने तेरह की संख्या को पार करवाया फिर आपने तीस की यानी आप कह रहे तेरह सौ के बाद पैंतीस तक आपने पहुंचा दिया हम लोग नई यात्रा में हैं मैंने कहा सब्सक्राइबर मत बढ़वाइएगा मैंने कहा आप सहपाठियों को सब्सक्राइब करवाएँ जो आपके साथ पढ़ने वाले होंगे वो लोग सब्सक्राइब करें फ़न फालतू आपको सब्सक्राइब नहीं करना है क्यों क्योंकि जिसका आने से यहाँ लाभ हो कोई मतलब नहीं ऐसी संख्या दिखाने का मेरा अपना टारगेट ये है कि जितने लोग हों वो पढ़ाई के लिए सीरियस हों वो सब यहाँ जुड़ें पढ़ाई के लिए सीरियस विद्यार्थियों को एक माहौल मिले प्रश्नोत्तरी का खास करके उनकी दिक्कत भी रहती है सर कोई पूछता नहीं तो मैं आपसे पूछूंगा आपका तैयार हो चीजिए ठीक बात है ना चलिए तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर इसका जो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा कुमुदिनी यही हो जाएगा इसमें सही देखिए बी वाला इसमें यू पी के प्री के एग्जाम में पूछा गया था दो में तो कुमुदिनी होता है सही अगले क्वेश्चन पर आइए फिर यही कुमुदिनी तो आप जान के कुमुदिनी होता है ना अगले पे आइए अगला क्वेश्चन कौन सा है जी यहां अगले क्वेश्चन पे आइए इधर तो अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ पहला बर्तन कैसे लिखा जाता है बर्तन होता है कैसे एक दो तीन चार में से कौन सा सही है बर्तन के विषय में जल्दी बताइए आप लोग उत्तर दीजिए बर्तन कैसे लिखा जाता है ये तो सब जानते ही होंगे क्योंकि घर में बर्तन आप सब जानते यूज ही करते हैं शुद्ध बर्तन ही इसमें चयन करना है भाई बर्तन वेरी गुड आपने जिस जिसने उत्तर दिया सर बी वाला ऑप्शन बर्तन यही एकदम सही उत्तर बताए हैं सर इसमें एक सेकेंड एक सेकेंड मेरा भी गड़बड़ हो गया इसका बर्तन जो है इसमें दिखा रहा है सर इसका बर्तन जो होगा लिखते भले हम लोग ये वाला है लेकिन इसका बर्तन ये वाला शुद्ध होगा ठीक बात है ना आप इसको टिक भी करे रहिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको गलत हो रहा है सबका गलत हो रहा है ठीक बात है ना तो आपको देख लेना इसको कहीं नोट कर लीजिए कि गड़बड़ ना हो नहीं पाए आपका ठीक बात है ना बाजार में दुकानों पर भी देखते हैं बर्तन ऐसे ही लिखा रहता है लेकिन आपको सही करना है कैसे लिखना ठीक बात है ना या अगर इसमें शंका है तो आप इसको टिक करके रख लीजिएगा ये कहीं भी आपको शंका मिल सकती है प्रतिष्ठा कैसे लिखा जाता है भाई जल्दी बताइए प्रतिष्ठा कैसे लिखा जाता है कुछ देर का सेशन और है सौ प्रश्न हम लोग करवाने हैं तो बताना है, प्रतिष्ठा कैसे लिखा जाएगा जल्दी बताइए प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा जल्दी बताइए ए बी सी डी में से कौन सा हो जाएगा प्रतिष्ठा ए बी सी डी में से कौन सा वेरी गुड बी वाला ऑप्शन जिसका जिसका है एकदम सही उत्तर है प्रतिष्ठा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन यानी प्रतिष्ठा ऐसे लिखा जाता है खस्टी सा आधे में रहता है पूछ रहा है मृत्युंजय कैसे लिखा जाए भगवान महादेव के लिए है मृत्युंजय ए बी सी डी में से कौन सा हो जाएगा मृत्युंजय कैसे लिखा जाएगा ए बी सी या डी मृत्युंजय कैसे लिखा जाएगा जल्दी उत्तर दीजिए बहुत बढ़िया भाई मृत्युंजय का हो जाएगा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा मृत्युंजय का एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुत बढ़िया मैंने कहा वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ साथियों तक वीडियो को शेयर भी करिएगा जिससे अभी नहीं तो कुछ साथी बाद में कम से कम देख पाओं कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने सर इस टाइम नहीं देख सकते बाद में तो आप उन तक शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को अस्पृश्यता कैसे लिखा जाएगा ए बी या सी या डी में से कौन सा भाई अस्पृश्यता कैसे लिखा जाएगा जल्दी बताइए एक दो तीन चार ये आपका सतहत्तर नंबर प्रश्न है अस्पृश्यता कैसे लिखा जाएगा देखिए बहुत बढ़िया जिस जिसने उसका उत्तर बी वाला ऑप्शन दिया है अस्पृश्यता उसका एकदम क्या है ये राइट ऑप्शन है अगले पे आइए पूछ रहा है शताब्दी कैसे लिखा जाता है शताब्दी जल्दी उत्तर दीजिए शताब्दी कैसे लिखा जाता है शताब्दी ए बी सी या डी में से शताब्दी कैसे लिखा जाता है जल्दी उत्तर आप लोग दीजिए भाई शताब्दी कैसे लिखा जाता है तुरंत उत्तर दीजिए वेरी गुड डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा एकदम राइट right ऑप्शन हो जाएगा यानी शताब्दी ऐसे दिया जाएगा अगला बताइए त्रिदोष कैसे लिखा जाता है त्रिदोष त्रिदोष कैसे लिखा जाता है ए बी सी या डी में से जल्दी बताइए भाई त्रिदोष कैसे लिखा जाएगा वेरी गुड तो इसका सी वाला ऑप्शन जिसका जिसका सी वाला ऑप्शन है बहुत बधाई के पात्र हैं आपका सी वाला ऑप्शन है यानी त्रिदोष आप बढ़िया लिख रहे हैं लास्ट में खष्टी सा होता है इसमें याद के औद्योगिकरण पूछ रहा है कैसे लिखा जाता है औद्योगिकरण होता है या औद्योगिकरण होता है क्या होता है ए बी सी डी में से आप बताइए जल्दी बताइए ए बी सी या डी में से औद्योगिकरण कैसे लिखा जाता है जल्दी बताइए भाई ए बी सी डी में से कौन सा हो जाएगा औद्योगिकरण में वेरी गुड बहुत बढ़िया बी वाला ऑप्शन इसका निकल गया क्या सही यानी औद्योगिकरण होता है ना तो बी ये देखिए स्टेनोग्राफर के एग्जाम में 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले पे आई परिणति कैसे लिखा जाता है बताना है परिणति कैसे लिखा जाना है ए बी सी डी में से बताइए परिणति मैंने फिर कहा चिन्ह पर मत जाइएगा आप अपनी प्रेरणा अपने बुद्धि विवेक लगाइएगा बहुत बढ़िया इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसका ए वाला ऑप्शन यानी परिणति हो जाएगा मैंने फिर कहा अगर आपके मन में जरा सा भी शंका है या गलत कर रहे हैं तो आप इसको बगल कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा पेंसिल से तो जिससे आपका हो जाएगा ये सही अगले क्वेश्चन पे आते हैं लिखा हुआ है शुद्ध वर्तनी का चयन करिए अस्थायी होता है अस्थायी होता है यानी ए बी सी डी में से बताइए स्थायी कैसे लिखा जाएगा जल्दी बताइए अस्थाई कैसे लिखा जाने वाला है जल्दी आप उत्तर दीजिए भाई जल्दी बताइए भाई उत्तर अस्थाई कैसे लिखा जाएगा भाई जल्दी बता... अस्थाई कैसे लिखा जाएगा भाई जल्दी उत्तर दीजिए चलिए बहुत बढ़िया तो अस्थाई के लिए जो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका वही हो जाएगा एकदम सही उत्तर यानी आप कहेंगे इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही यानी अस्थाई में या पे बड़ी ई की मात्रा रहती है लास्ट में तो ये हो गया अस्थाई अगले पे आइए तिरासी नंबर क्वेश्चन है आपका शुद्ध वर्तनी का चयन कर दिए जल्दी कैसे लिखा जाता है ये तो सब लोग बता देंगे सर बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा जल्दी लिखा जाता है ऐसे पूछ रहा है प्राक कथन कैसे लिखा जाता है प्राक कथन प्राग कथन मतलब जो पहले कए गए कथन होते हैं जैसे आप शुरुआत में देखते हैं कोई किताब शुरू करते हैं तो किताब के स्टार्टिंग में ही प्राग कथन होता है ठीक बात है ना तो प्राग कथन लिखा जाता है बताना है आपको ए बी सी डी में से कौन सा सही हो जाएगा बहुत बढ़िया बी ए वाला ऑप्शन जो हो जाएगा यही हो जाएगा सही यानी प्राग कथन होता है अगले क्वेश्चन पे आए इधर चलिए ये हो गए आपके लगभग अस्सी प्रश्न पचासी नंबर प्रश्न पे हैं क्षेत्र कैसे लिखा जाता है ये सब लोग बता दे रहे हैं सर क्षेत्र तो मुझे लगता है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा तो क्षेत्र आप बता ले गए अगला बताइए रासायनिक होता है ये रासायनिक होता है जल्दी बताइए क्या होता है या रासायनिक होता है रासायनिक कैसे लिखा जाता है आप सब ये भी बता लेंगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस वेरी गुड इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला यानी रासायनिक होता है ठीक है ना अगले क्वेश्चन पे आए प्रतिवादी कैसे लिखा जाता है ए बी सी डी में से बताना है प्रतिवादी कैसे लिखा जाता है प्रतिवादी यानी वादी प्रतिवादी ये कोर्ट से जुड़ा हुआ शब्द है प्रतिवादी क्या होता है तो इसका ए वाला ऑप्शन जो जो लोग बता रहे हैं वो बहुत सही बता रहे हैं खूब ऐसे मैंने जो जल्दबाजी बोल रहा हूँ मैं मैं इस वजह से बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको कराए जा सके बहुत ज्यादा इसमें समय लेने की आवश्यकता नहीं है आपको एक बार में आता होगा तो लग जाता है नहीं आता है भी लग जाता है आप उसको क्वेश्चन आप कॉपी पे कहीं नोट कर लीजिएगा पूछ रहा है द्वंद्व कैसे लिखा जाता है द्वंद द्वंद युद्ध आपको याद होगा आपस में द्वंद का भावना रहता है तो एबीसीडी में से कैसे लिखा जाता है द्वंद बताइए भाई जल्दी बताइए द्वंद कैसे लिखा जाता है इसका सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो गया यानी द्वंद लिखा जाता है दा में भी नीचे वा रहता है और लास्ट वाले दा में भी वा रहता है। अगले क्वेश्चन से वेरी गुड जिस जिसने बताया इसका उत्तर सर बी वाला यानी उत्सव वो एकदम राइट बता रहे अगला बताइए निदर्शन कैसे लिखा जाता है निदर्शन होता है कि निर्दर्शन होता, होता, होता है क्या होता भाई? है निर्दर्शन के

बताइए बहुत बढ़िया जिस जिसने उसका उत्तर दिया है सर डी वाला ऑप्शन जेस्ट एकदम राइट उत्तर उन्होंने दिया अब आ रहे हैं बानबे नंबर प्रश्न पे अंतर ध्यान कैसे लिखा अंतर ध्यान होता है या अंतर्धान होता है बताइए भाई ऑप्शन आपको देना है बानबे प्रश्न में अंतर्धान कैसे लिखा जाता है ये बताइए आप लोग इसमें अंतर ध्यान वेरी गुड यानी बी वाला क्या हो जाएगा आपका सही यानी अंतर्धान हो जाएगा बी वाला अगले पे आइए अधर्म कैसे लिखा जाता है ये आप सबको याद होना चाहिए तिरानबे नंबर प्रश्न है अधर्म कैसे लिखा जाता है बहुत बढ़िया जो जो विद्यार्थी बता रहे हैं सर सी वाला ऑप्शन इसमें अधर्म का वो एकदम राइट बता रहे हैं अगले क्वेश्चन बताइए अनुक्रम कैसे लिखा जाता है ए बी सी डी में अनुक्रम अनुक्रम का का मतलब मतलब होता है क्रम यानी इसके बाद आने वाला तो का मतलब जो क्रमांक होता है उसी तरीके से अनुक्रम होता है उसी जुड़ा हुआ तो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा बहुत बढ़िया भाई चलिए लगातार ऐसे बना रही इसका ऑप्शन जो लोग दे रहे हैं सर बी वाला ऑप्शन एकदम राइट दे रहे हैं अनुक्रम अगले पे आते हैं पंचानवे प्रश्न यानी पांच प्रश्न और बचे हैं शुद्ध वर्तनी का चयन ऋषि कैसे लिखा जाता है ऋषि कैसे लिखा जाता है ये आपको उत्तर देना है ऋषि कैसे लिखा जाने वाला है भाई बताइए ऋषि ऋषि कैसे लिखा जाता है उत्तर दीजिए भाई बहुत बढ़िया जो लोग बी वाला ऑप्शन दे रहे हैं एकदम राइट आंसर दे रहे हैं ऋषि के लिए तो बी वाला ऑप्शन उनका हो गया सही ये हो गया आपका ऋषि ये पंचानवे नंबर प्रश्न आपका हो गया आते हैं छियानवे नंबर प्रश्न पर चलिए छियानवे नंबर प्रश्न लिखा हुआ है शुद्ध वर्तनी का दीर्घायु कैसे लिखा जाता है भाई दीर्घायु कैसे लिखा जाता है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस दीर्घायु वेरी गुड सारे लोग इसका सही उत्तर दिए सर ए वाला ऑप्शन जो हो जाएगा यही सही हो जाएगा दीर्घायु के लिए अगले पे आते हैं शुद्ध वर्तनी का चयन करना है श्रृंगार कैसे लिखा जाता है भाई ए बी सी डी में से आपको बताइए श्रृंगार कैसे लिखा जाता है यही बताना है आपको जल्दी बताइए श्रृंगार <coughs> बहुत बढ़िया बिना मौका देखिए आप बता दे रहे हैं सर बी वाला ऑप्शन क्या हो जा रहा है सही यानी श्रृंगार का ऐसे लिखा जाता है श्री में नीचे आधा राह होता है नीचे री की मात्रा लगी होती है अध्ययता कैसे लिखा जाता है अध्ययता जल्दी बताइए अध्ययता कैसे लिखा जाता है अध्ययता कैसे लिखा जाता है उत्तर दीजिए अध्ययता कैसे लिखा जाता है वेरी गुड वाला ऑप्शन हो गया एकदम राइट यानी अध्येता लिखा जाता है फिर नक्षत्र होता है नक्षत्र होता है क्या होता है भाई नक्षत्र सारे लोग इसका भी उत्तर दीदी सर बी वाला ऑप्शन हो गया नक्षत्र का आपकी अगला बताइए शारीरिक कैसे लिखा जाता है ए बी सी डी में से शारीरिक कैसे लिखा जाता है उत्तर दीजिए आप लोग शारीरिक का वेरी गुड सारे लोग इसका उत्तर दे दे रहे हैं सर सी वाला हो जाएगा शारीरिक का अब की बताना है अधिशाषी कैसे लिखा ये नहीं बता पाएंगे अधिशाशी कैसे लिखा जाएगा भाई अधिशाशी अधिशाशी कैसे लिखा जाएगा बहुत बढ़िया अधिशाशी में लास्ट में बड़ा खष्टी सा होता है याद करे रहिएगा लास्ट में होता है ये बड़ा नहीं अधिशाशी में देखिए इसमें दिखा रहा है अधिशाशी में छोटा सा मेरा गड़बड़ है तो अधिशाशी में आप ए वाला ऑप्शन जिसका जिसका सही है उसका उसका हो रहा है एकदम राइट तो आज वाले सेशन के इतना लिए इतना ही बाकी रात नौ बजे आपको जी वाली क्लास मिलेगी जी वाले में जन आंदोलन हम लोग पढ़ रहे हैं कल वाली क्लास में जो लोग उपस्थित थे मैंने कहा आप सारे लोगों ने खूब आनंद लिया है खूब बढ़िया से आपको चीज़ें तैयार हुई है आज भी उपस्थित होइएगा नौ बजे वाले सेशन में हाँ साथियों को भी बताइएगा जो भी आर ओ आरोपी पी सी एस यूपीपी एस एस सी जी डी आदि एग्जाम की तैयारी के लिए फोकस्ड यानी सीरियस विद्यार्थी हैं उन सबको भी बताइएगा और जिनका मन नहीं लगता है उनकी समस्या है उनको भी बताइएगा तो सारे लोग मिल करके पढ़ा जाएगा उसको बाकी फिर मेरे साथ बोलिए क्या कि वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से और वे और थे जो हार गए आसमान से ठीक बात ना बाकी आज के लिए आपने इतना सहयोग किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद हाँ ज़्यादा से जितने क्वेश्चन आपने नोट किए हैं आपके शंका या गलत उत्तर वाले आप उनका रोज अभ्यास करिएगा जिसके परीक्षा आते आते आपका चीज़ें तैयार हो जाए ठीक बात है ना चलिए मिलते हैं रात नौ बजे तब तक के लिए धन्यवाद और आइए आप लोग नौ बजे सभी साथियों को इस सेशन को भी शेयर करिएगा और आगे वाले सेशन के लिए भी बताए रहिएगा सबको कि नौ बजे से स्टार्ट होने वाली बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत